दोस्तों 90 के दशक में आपको कई ऐसी अभिनेत्रियां मिल जाएंगी जो अपने दमदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं, और उन्हीं में से एक हैं बॉलीवुड की गॉर्जियस अभिनेत्री रानी मुखर्जी, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, जिन्होंने अपने दमदार और चुलबुले अभिनय से दर्शकों के बीच अपनी एक खास जगह बनाई थी। और आज रानी मुखर्जी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी पहचान की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सब रानी मुखर्जी के बारे में तो जानते ही हैं, पर क्या आप इनकी बेटी के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको उनकी बेटी से ही मिलवाने वाले हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को हुआ था। उनका जन्म बंगाली परिवार में हुआ जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे, और इसके बावजूद रानी को अभिनय का बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन अपने माता पिता के कहने पर उन्होंने अभिनेत्री बनने का फैसला लिया। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने 1997 में फिल्म राजा की आएगी बारात से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। फिल्म तो फ्लॉप रही, पर सभी ने इस फिल्म में इनके अभिनय को नोटिस किया, और जिसके बाद इनकी फिल्म गुलाम आई, और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, जिसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें मेहंदी, हेलो ब्रदर, चलते चलते और चोरी चोरी चुपके चुपके जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों को इनके करियर की सफल फिल्में माना जाता है। रानी ने अपने दौर में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर अपने अभिनय से राज किया है, और आज भी इन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इन्हें अभी तक 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में इनकी फिल्म मर्दानी 2 भी रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों के द्वारा भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इन्होंने फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा से शादी की है, जिनसे इनकी मुलाकात फिल्म के सेट पर ही हुई थी। यहीं से दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, और धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। लेकिन अगर बात की जाए इस खूबसूरत अभिनेत्री की बेटी की, तो इनकी बेटी का नाम आदिरा चोपड़ा है, जिनका जन्म साल 2015 में हुआ था, और वर्तमान समय में इनकी आयु 5 वर्ष है। आपको बता दें कि आदिरा दिखने में तैमूर से भी ज्यादा क्यूट दिखती हैं, पर रानी मुखर्जी अपनी बेटी को अभी से लाइमलाइट से दूर रखती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी पूरी जिंदगी लाइमलाइट में बीते, बल्कि वो चाहती हैं कि अभी आदिरा एक सामान्य बच्चे की तरह अपना बचपन एंजॉय करें। वहीं बात करें इनकी खूबसूरती की, तो खूबसूरती के मामले में ये अपनी माँ से भी आगे हैं, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको रानी मुखर्जी और उनकी बेटी में से कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।